हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर टू एंड इन दिस वीडियो वी आर सोल्व क्वेश्चन आंसर एंड डेफिनेशन एंड सम टर्म। तो इन टर्म की कुछ डेफिनेशन दे रखी है नीचे। ओमनिवोर्स, एन एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। देखो ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल चैप्टर में पढ़ा था, जो माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है, जिसके अंदर फूड मूव करता है। ए पाथवे बाय विच फूड एंटर द बॉडी, एक पाथवे है जिसके अंदर फूड एंटर करता है बॉडी के अंदर, मूव करता है जिसके अंदर। एसिमिलेशन, द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी। देखो एसिमिलेशन को बता रखा है कि फूड को एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। रूमिनेशन क्या होता है, द एक्शन ऑफ चीविंग द कर्ड बाय सम एनिमल। देखो जो रूमिनेंट होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, वे रूमिनेशन करते हैं, जो फूड उन्होंने ईट किया है उसको वे स्टोर कर लेते हैं आधा च्यू करने के बाद, और फिर बाद में उसको च्यू करते हैं। तो जो च्यू करने का जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं रूमिनेशन। ये कुछ टर्म थी। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है, देर आर सम स्टेटमेंट। इंजेशन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। देखो जो हम फूड को इंजेशन करते हैं तो क्या टीथ के बिना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। टीथ हेल्प टू ब्रेक डाउन, टीथ क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, उनको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है, च्यू करने में हेल्प करते हैं। विदाउट च्यूइंग फूड कैन नॉट इंजेस्ट, और बिना च्यू के हम फूड को इंजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए टीथ जरूरी होते हैं इंजेक्शन के लिए। सेकंड है, इफ वी च्यू राइस और ब्रेड फॉर ए फ्यू मिक्सचर फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट। देखो जो हम अगर हम चावल को या ब्रेड को कुछ मिनट के लिए च्यू करते हैं तो हमें वो स्वादिष्ट लगने लगता है। राइस एंड ब्रेड हैव स्टार्च, क्योंकि इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्च है चबाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उनका टेस्ट स्वीट हो जाता है। इट इज सेड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन एंड अमीबा इज सिमिलर। देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर और जो मैन के अंदर है, क्या वो सेम है। देखो जो दोनों के दोनों एनिमल्स हैं, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म है, वो मैन और अमीबा दोनों के दोनों हेटरोट्रोप्स हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, और वे अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एनिमल न्यूट्रिशन डिफर फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिशन। देखिए जो एनिमल का न्यूट्रिशन है वो प्लांट न्यूट्रिशन से डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है? कैसे अलग है कि एनिमल तो किसी दूसरे से लेते हैं फूड, और प्लांट अपने फूड को अपने आप बनाते हैं, इसलिए अलग है। एनिमल आर हेटरोट्रोपिक एंड गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्रीन प्लांट। देखिए जो एनिमल है वे हेटरोट्रोपिक है, वे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, लेकिन जो प्लांट है वे ऑटोट्रोपिक है और वे अपना फूड अपने आप सिंथेसिस करते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग, देखिए टंग का फंक्शन क्या है, टंग क्या करती है, इट हेल्प इन मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा एंड फूड, सलाइवा विद फूड। टंग का काम है कि फूड को मिक्स करना, फूड के अंदर हमारे माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, उस सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करना, और क्या काम होता है, फूड को स्वेल्व करना, स्वेलिंग निगलना, ये काम भी हमारा टंग ही करती है, और इसके साथ साथ टंग टेस्ट को भी तो मेजर करती है कि टेस्ट हमारा स्वीट है, सोर है, बिटर है या फिर साल्टी है, ये सब काम हमारा टंग का होता है। हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो घास खाने वाले एनिमल है वे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये रूमिनेंट की बात कर रहा है। देखो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, जो गाय है, घोड़ा है, भैंस है, उनके अंदर जो स्टमक है वो 4 चैम्बर का स्टमक होता है, वो जब खाना खाता है तो खाने को जल्दी से स्वेलो कर लेता है, क्विकली स्वेलो करता है, और उसको अपने फर्स्ट चैम्बर में स्टोर कर लेता है, जो उसने खाने को फूड को क्विकली स्वेलो किया है उसको फर्स्ट चैम्बर में स्टोर कर लिया, और फर्स्ट चैम्बर का नाम है रूमन।
कह रहा है कि रूमन के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कि पार्शियल डाइजेशन हो पाता है। पार्शियल डाइजेशन, जो फूड उसने स्टोर किया था रूमन में, उसका डाइजेशन हो चुका है पार्शियल। अब क्या करेगा, जो फूड है वो दोबारा से माउथ के अंदर लाएगा और माउथ के अंदर फिर वो कंप्लीटली च्यू करेगा फूड को। आपने कई बार देखा होगा गाय वगैरह भैंस वगैरह बैठ के अपने मुंह को चबाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खाना था वो रूमन में स्टोर कर लिया था। अब रूमन से दोबारा माउथ में खाना आया है, अब उसको च्यू कर रहे हैं। जब वो खाना कंप्लीटली च्यू हो चुका होगा, तब ये थर्ड चैम्बर में जाएगा खाना, वेयर द वाटर फ्रॉम द फूड इज एब्जॉर्ब। अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर, जो फूड के अंदर वाटर प्रेजेंट है, वो एब्जॉर्ब हो चुकेगा और जो बाकी बचा हुआ खाना है वो फोर्थ चैम्बर में चला जाएगा, और जिससे कि कंप्लीट लैब डाइजेशन हो जाएगा। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट? अमीबा न्यूट्रिएंट को कैसे ऑब्टेन करता है? हमने पढ़ा था अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो फूड को कवर करके अपनी बॉडी के अंदर इनलेट करता है। अमीबा ऑब्टेन इट न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटिस। ये प्रोसेस का नाम है कि जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को एब्जॉर्ब करता है, एंडोसाइटिस। इट टेक फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। आफ्टर टेकिंग द फूड इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। देखो, सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड को अपने बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है, और एंटर करने के बाद कुछ एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस फूड के ऊपर रिलीज करेगा जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल से अमीबा अपनी एनर्जी ले लेगा। इस तरह से अमीबा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है। ड्रा ए नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में दिया गया है, यहाँ पर भी दे रखा है डायग्राम। देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, एज वेल एज जो आपकी बुक में है। माउथ है, ओसोफेगस है, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर गोल ब्लैडर होता है, और यहाँ पर पेनक्रियाज भी होती है। यहाँ पे पेनक्रियाज होती है लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे। तो ये आपने डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में दे रखा है, या फिर ये वाला बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रा ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? जो चैप्टर के लास्ट में पढ़ा था हमने कि हाइड्रा न्यूट्रिशन को कैसे कैसे न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कैसे करता है। हाइड्रा हैज ए नंबर ऑफ टैंक टेल्स। हाइड्रा के अंदर काफी टाइप के टैंक टेल्स होते हैं जो उसके माउथ के आसपास होते हैं, जिसके हेल्प से, टैंक टेल की हेल्प से हाइड्रा कैप्चर करता है किसी फूड को। उसके पास कोई प्रे आएगा, उसको दे पुश द प्रे इनटू दिस माउथ इनसाइड द बॉडी कैविटी। द डाइजेस्ट जूस सेक्रेट बाय द स्वॉलिंग सेल हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। पहले तो टंगटल की हेल्प से जो उसके पास प्रे है, इंसेक्ट है, उसको वो अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेता है, फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से। ऐसे करता है हाइड्रा डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब? जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये सारा काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन द डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड अराउंड द बॉडी टू वेयर इट इज लेडेड। वट इज रूमिनेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। रूमिनेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर में। इट इज ए प्रोसेस इन विच द एनिमल ब्रिंग द प्रीवियसली कंज्यूम फूड इन टू द माउथ वंस अगेन एंड च्यू इट। एग्जाम्पल, काउ, शिप। देखो, घास खाने वाले एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल। और वे रूमिनेशन कैसे करते हैं कि जो उन्होंने फूड खाया है उसको वे स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको दोबारा से माउथ के अंदर लाते हैं, फिर उसको कंप्लीटली च्यू करते हैं। इस तरह के एनिमल का नाम है काउ और शीप। वट इज द रोल ऑफ द स्टोमच इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस? स्टोमच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल।
जो हमारा स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री के नाम पूछा है क्वेश्चन में इसने पूछा है क्वेश्चन में इसने पूछा है क्वेश्चन में इसने पूछा है कि जो स्टमक है वो कैसे स्टमक कैसे हेल्प करता है, क्या रोल है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर बताया कि एलिमेंट टेस्ट पार्ट है वो टेस्ट पार्ट है वो टेस्ट पार्ट है वो स्टमक है, वो स्टमक गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस को। विच कंसिस्ट स्टमक के अंदर क्या क्या होता है? मुकुस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। मुकुस का काम होता है कि वो स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग बना लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ये स्टमक की वॉल को डिफेक्ट ना कर पाए। उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूस है ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन टू सिंपल सब्सटेंस, प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव जूस। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड हमने खाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के गया, उसके जाने के बाद फूड के साथ क्या होता है? सीधी सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद एब्सॉर्ब होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेशन कम्प्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड ब्रेक डाउन इन टू सिंपल फॉर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। किसके अंदर ब्रेक किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर, और जो फैट है उसको फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। डाइजेस्ट करने के बाद यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर थर्ड को स्टार्ट करें।